ये तो मेरा घर है। उनकी कान पे क्यों टांग जाती है? चपड़ासी साहब कैसे हैं आप? बंजे नवाज शरीफ। मरियम नानी। भाई मैं तो जा रहा हूँ दवाइयाँ ले रहे और सर्जरी। हमारा अभी तक मुल्क पता नहीं किधर से किधर पहुँचा होता, लेकिन तुमने वो होने ही नहीं दिया। भाई मेरे प्यारे से शहबाज शरीफ, आपके टकले को चुम्मी देनी चाहिए। डीजल भाई, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज डीजल सस्ता कर दो, लोगों के खर्चे नहीं पूरे होते। अच्छा मारी, उनको बताओ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं? मैं बन्नू से आया हूँ और मेरा नाम मुनीब खान है। मुनीब खान साहेब, छोटे बेटे से मैं आपको खान साहब इसलिए कहूंगा क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना वो खान साहब वाली हैं बड़ी बड़ी, इसलिए मैं आपको साहब कहूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान साहब वजीर आज़म बन जाते हैं तो वो अपोजिशन के साथ क्या करेंगे? माफ कर देंगे, क्योंकि उनको वो हर चीज को माफ करते हैं। हर बार उन्होंने इनको माफ किया। अगर वो चाहते तो इनको रोडों पे घसीटते, हमें इजाजत देते कि इनको रोडों पे घसीटो। खान साहब ने अभी तक हमें अच्छी तरह से इजाजत नहीं दी कि इनको घसीटो। जब खान साहब ने इजाजत दे दी ना, पता नहीं इनके कमरों की हड्डियां भी छिली होंगी। और इमरान खान साहब के लिए आप अभी तो मुलाकात नहीं हुई, अब आपने ये बताना है क्योंकि आपकी उनसे मुलाकात होती है, सबसे पहले तो बच्चे यही कहते हैं कि हम उनको हक करेंगे। आपकी भी यही ख्वाहिश है कि मैं जब वो मुझे मिले तो मैं उनको हक करूँ? मेरे बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मैं तो भाई मैं उनके हाथ चूमना चाहता हूँ। आज मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, वरना मैं मिल लेता। लोग इतने आ गए थे, मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि आज वो मेरे जैसे आप मेरे सामने नहीं है, ऐसे वो मेरे सामने बैठे हुए थे। अच्छा, तो मैं उनसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग इतने जमा हुए थे कि मिलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब लोग चढ़ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे मिलने के लिए उनसे। उनको इसलिए जाना पड़ा, वरना हर वक्त ये नहीं होता, वो बैठे रहते आधा घंटा लोगों के साथ बैठे रहते हैं। लेकिन आज इतने लोग थे कि वो बेचारे रह ही नहीं पाए, उधर चले गए उधर से। आपको अगर इमरान साहब मिलते हैं तो क्या आप उनसे क्या बातें करना चाहेंगे, अगर आपको इमरान साहब मिल जाते हैं लाइव तो? इमरान खान से बहुत बातें करना चाहता हूँ, लेकिन कोई देने का मौका ही नहीं मिलता। क्या बातें करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्या अगर आपको इमरान खान साहब मिलते हैं तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं पहली बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्यारे टकले हैं, आप जरा अपना ना ये गंजा संभाल के रखिए। पहली बात, किसी ने चप्पल खोल देना ऊपर ना चले जाना जल्दी से। और पहली बात, हमारी मरियम साहिबा कतर भागने की प्लानिंग चल रही है तुम्हारी, हमें पता है सारों को। मरियम साहिबा, अच्छा ये जो तुमने थोड़े दिनों पहले क्या नाम है इसका अफतारी का प्लान तुमने बनाया था और वीडियो बनाई थी, इस पे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही इसकी, कि तुमने खान की कॉपी क्यों की है? खान की कॉपी कैटर हो? तुम तो दूसरों के घर में घुस के खान की कॉपी करती हो। तुम्हारे पास ना अपना घर है और जिधर भी जाती है न्यूज देने, पर पीछे से ग्रीन स्क्रीन लगा देती है, करती है ये देखो ये तो मेरा घर है। और बात सुनो, तुम्हारी शक्ल है मिनिस्टर बनने की, तुम्हारी पहली बात शक्ल भी नहीं है मिनिस्टर बनने की, तुम्हें मिनिस्टर क्या, तुम्हें चपड़ासी की नौकरी भी नहीं देनी चाहिए। डीजल ये जरा डीजल का रेट थोड़ा कम कर, पता नहीं कोई तुझे डीजल, पता नहीं कोई तेरे ऊपर ही डीजल लगा के। डीजल भाई, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज डीजल सस्ता कर दो, लोगों के खर्चे नहीं पूरे होते। मैं आज बहुत थका हूँ, वरना मैं ऐसी बातें सुनाता। डीजल साहब थोड़ा हद में रहे और अपनी ये दाढ़ी जरा संभाल कर रखे, पता नहीं चला गया ना तुम्हें, पता नहीं लगना तुम्हारा। और हमारे चपड़ासी साहब कैसे हैं आप? बंजे नवाज शरीफ। आपका लंदन से इधर आने का प्लान कब है? चार दवाइयां अभी तक नहीं मिली क्या? मुझे लगता है चार दवाइयों के पीछे इसने पता नहीं ऊपर चले जाना है, लेकिन इसको चार दवाइयां मिलनी ही नहीं है। ये कैसी खार है, चार दवाइयां इसको मिली नहीं है। चार साल से बैठ के कैसी, कभी ठूस रहे, कभी जा आगे किसी और के साथ मिल रहे। भाई चार सालों में
तू अगर ये पैसा बचाता ना जो तू झूठ में बोलते है, भाई मैं तो जा रहा हूँ दवाइयाँ ले रहे और सर्जरी हमारी प्यारी सी मरियम नानी करवाने। मरियम नानी, जितने पैसे तुमने एक सर्जरी पर खर्चे है ना, इतने पैसों पे तो हमारा अभी तक मुल्क पता नहीं किधर से किधर पहुंचा होता, लेकिन तुमने वो होने ही नहीं दिया। तुम्हारी पहली बात मुझे ये नहीं समझ आती, हमारे जो बिलावल बट्टू साहब है प्यारे से, उनकी कांपे क्यों टांग जाती है? एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, खुद 10 लाख के रुपए के जूते पहन रहे हैं। मैंने उस दिन इसकी तस्वीर देखी है, 10 लाख रुपए के जूते पहन रहे हैं, और जो इर्द गिर्द इसके बच्चे होते हैं वो नंगे पैर होते हैं, वो नहीं सोचता। अगर ये 10 लाख रुपए के चप्पल उनको दिला दे होता ना, पता नहीं आज कितने गरीब तुझे दुआएं देते होते हैं। सबके मुंह से तू बद्दुआएं खा रहा है, सबके मुंह से, माओ के मुंह से तू बद्दुआएं खा रहा है। तूने आज तक किसी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा? तुम लोगों को बस करप्शन करने के अलावा और कुछ ही नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस करप्शन। तुम लोगों को सामने करप्शन ही दिखते है, उसके अलावा ना सफाई दिखते ना कुछ दिखते है। ओ भाई, मेरे प्यारे से शहबाज शरीफ, आपके टकले को चुम्मी देनी चाहिए भाई। अगर इमरान खान इधर ही बैठा हुआ है, छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, इमरान खान इधर ही, वो भी एक ब्रांड है, ठीक है ना, खुद से। तुम लोग सारे उसकी कॉपी करते हो, उसकी पर्सनैलिटी चुराते हो। ओ ओ चप्पल चोरों, ओ डिग्गी में जाने वाले, तू तेरे लिए बस यही काम रह गया, तू बस डिग्गियों में जाई, करप्शन करी और सबसे पैसे ली, चंदा मांगी। और एक मुझे तेरी बहुत बहुत अच्छी लगती है, मेरे मांगने नहीं आया लेकिन मेरी मजबूरी आया। आज हमें पता चला कि आप क्यों नहीं मांगने आते और आपकी मजबूरी क्या है, हमें सब पता चल गया। जो खरबों आप खा के बैठ गए हो ना, हमें पता है आपकी मजबूरी का। आप बोलते हो कि मैं कपड़े बेच के अपने मुल्क को खिलाऊंगा, आज तक आपने अपने जूता नहीं बेचा, कपड़े क्या बेचोगे? एक ही तो आपके पास बेचारे कपड़े है, वो तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो प्यारी सी मरियम साहिबा है, उन्होंने जो इमरान खान के घर पे हमला करवाया है, वो कपड़े किधर गए? जी साहिबा, वो किधर गए? शहबाज शरीफ ने पहन लिए, मुझे लग रहा है इन्होंने नवाज शरीफ को पहुंचा दिए, वो सेल कर देंगे फिर, है ना? है ना, मुझे यही लगता है। और भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती तुम लोगों की, तुम लोगों को करप्शन और तुम लोग यार कैसे बंदे हो? तो जिस पुलिस को हमारी हिफाजत करनी चाहिए, वो पुलिस हमें डंडे मारती है, हमें वाटर कैनन हमें पे इस्तेमाल करती है, हम पे शेलिंग इस्तेमाल करती है, हम पे शीशों की बोतलें इस्तेमाल करती है। शेम होनी चाहिए, हर वक्त तुम लोग भाग जाते हो, हर वक्त। शेलिंग के अलावा तुम लोगों को कुछ और आता नहीं है, बस अगर वो सामने तुम पे ऊपर आ जाए, तुम्हारे ऊपर भारी हो जाए, तो तुम ऊपर से शेलिंग फेंकने लग जाते हो। यह कोई बात है? हैंड से, हाथ से मुकाबला करो ना, पीटीआई भी हाथ से मुकाबला करती है, तुम लोग डंडे बरसाते हो, वो हाथ से मुकाबला करती है। वो दलेर है, ठीक है ना, मर्द है, तुम लोग औरत हो, ठीक है ना।